ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार ये रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो क्या क्या था। ये क्यूब रूट है, तो यहां तक तो क्लियर है कि ये स्टेप कैसे लिखा, बरोबर। ये स्टेप के बाद 1/3 हमारा आगे आ गया लॉग की वजह से, प्रॉपर्टी नंबर 3 की वजह से आगे आ गया। अच्छा, अभी इसका लॉग 32 का देख रहे थे ना, तो सबसे पहले लॉग बुक में जाओगे तो 32 का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट है, 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 दिख रहा होगा लॉग बुक में, और फिर यहाँ हमें कहाँ पे आना है, 32 में आना है। ठीक है, तो आप 32 पे आ गए, और फिर यहाँ पे देखो 00 लिखा होगा, 01 ना, 23 लिखा होगा, बरोबर। अच्छा, अभी हमें किस में देखना है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो हम अज्यूम करते हैं 00, तो 30 का 0 में देखे तो हमें क्या मिला, 5051। अच्छा, मेन डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो मेन डिफरेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 0 है तो मेन डिफरेंस में 0 में 0 ही होगा, बरोबर। अगर मान लो मेन डिफरेंस, मान लो यहाँ पे अगर आप 3 का देख रहे हो, तो 3 में कुछ 2 या 1 है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू क्या हो जाती, 49 हो जाती। अगर वहां पे होता तो, यहाँ पे नहीं है, 0 है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो यही आया अपना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे ये कितने कैरेक्टरिस्टिक डिजिट थे, 2 डिजिट थे, 2 डिजिट थे ना, तो 2 2 -1 करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 3 -2 आता है ना, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते। ये बात समझ में आ रहा है, जितना यहाँ पे डिजिट होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी वैल्यू मैंने ये कैसे लिखी। फिर आप जो भी नंबर दिया उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये नंबर आ जाएगा। अब एंटी लॉग में, अब एंटी लॉग टेबल थोड़ा स्क्रोल करो ऊपर, तो एंटी लॉग टेबल दिखेगा। तो एंटी लॉग टेबल में आपका सब पॉइंट से स्टार्ट होगा, 10 11 ना, सब पॉइंट से स्टार्ट है, ठीक है। अब पॉइंट में हमें किस में देखना है, हाँ 50 का 1 और 7 में, 50 का हमारा यहाँ पे 50 मिलेगा आपको, और यहाँ पे ऊपर 1 मिलेगा ना, 50 और ऊपर 1 मिलेगा, तो देखो उसका मैच करो, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और उससे पहले आपका 0 रहेगा, बरोबर। और मेन डिफरेंस यहाँ पे 7 में, 7 में अगर आप देखोगे तो 5 आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, 50 में देखा तो आपको क्या आया, 5012 आया, कितना आ रहा है आपको, हाँ 3170 ये आ रहा है। और 7 में देखा तो कितना आया, हाँ एंटी लॉग में प्लस करेंगे, ठीक है, मेन डिफरेंस प्लस किया तो ये कितना आ गया, हाँ। अच्छा, अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 था, 0 का उसमें प्लस 1 किया तो 1 के बाद कौन डाल दिया। अगर मान लो ये 0 की जगह पे क्या होता, 2 होता, 2.5017 इसकी जगह पे ये नंबर होता, तो देखो 2 + 1 करता तो क्या था, 3, तो 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पे कौन डालता, समझ रहे हो बात। अभी एक और सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आपने पकड़ लिया है कि लॉग कैसे यूज करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने सेम प्रोसीजर से, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे, इसको एक्स वैल्यू दे दो, अज्यूम कर लो कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है 0.4, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉग ले रहे हैं, लॉग लिया तो ये आ जाएगा लॉग एक्स, और ये साइड लॉग लिया तो, ठीक है, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। आप ध्यान से देखोगे तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, कि अगर यहाँ पे कुछ पावर एन है
ना, तो ये पावर क्या हो जाता था, आगे आ जाता था। ये कैसे लिखते थे, एन लॉग ए लिखते थे, ठीक है। तो उसी तरह से ये पावर, जो भी पावर रहेगा वो आगे ले लेंगे, पावर आगे लिए तो क्या आ जाएगा, टू लॉग 45.4। अच्छा अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिजिट कितना है, यहाँ पे दो डिजिट है, तो टू माइनस वन करेंगे तो क्या बचेगा वन। तो देखो टू को मैंने एज इट इज रखा, वन तो आएगा वन पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, 45 का फोर में देखो, लॉग बुक में 45 का फोर है, 6571, ठीक है, ये आया। अब क्या करोगे, टू से क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन डिफरेंस क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे जीरो का इसका मतलब आ गया, तो जीरो में जीरो ही रहेगा, इससे कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टू 14 का फोर वन कैरी 11, 12 और ये 13 हो जाएगा, वन कैरी टू वन टू और ये 3, बराबर 3.3142, बराबर। ये आपका क्या, किसकी वैल्यू आई, लॉग की वैल्यू आई, हमें एंटी लॉग लेना है। तो ये लॉग जब हमारा यहाँ गया तो वो समझ रहे हैं कि एंटी लॉग, वरना वो डायलॉग सुना था ना सचिन वाला, वो थी ना एक लेडी, कौन है सचिन, अच्छा ये आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है ना, अच्छा यहाँ पे देखो ना 3 है ना, तो 3 प्लस 1 करेंगे 4, तो 4 के बाद हमें पॉइंट डालना है, ठीक है। अभी किसका देखोगे, 31 का, 31 का 4 में देखो मेन डिफरेंस 2 है, 2061, मेन डिफरेंस 2 में कितना आ रहा है 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 आ जाएगा। अच्छा अब ये कितने के बाद, 3 और 4, तो 4 के बाद पॉइंट, तो मतलब यही आ जाएगा वैल्यू x का, बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 था ना, तो एक ऐड किया 4, तो 4 के बाद पॉइंट गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वैल्यू वही रहेगी, इसके बाद मान लो 0 ही रहेगा, ठीक है। 31 का 4 में देखो, 31 का 2061, 1 आया। अच्छा अब मेन डिफरेंस 2 में देखो, 2 में 1 है, तो 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब आपने क्लियर कर लिया, अब थोड़े से बड़े सम पे चलते हैं। अच्छा अभी हमें डिवाइड करने है, माइनस आएगा प्रॉपर्टी नंबर 2 के 2 से क्या आ जाएगा, अगर हमारा प्रॉपर्टी को क्या बोल रही थी, लॉग ए अपॉन बी, ऐसा के इसके फॉर्म में दिया हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, बराबर। तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले इसको एक वैल्यू दे दो एक्स, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एक्स आएगा 32/7 अपॉन 23/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड लॉग ले लो, ये सब लोग साथ में हो ना, फटाफट लिखो खत्म, यहां पे आ जाए, आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, अच्छा अभी दोनों साइड लॉग ले ले, अभी हमने अगर यहां पे लॉग लिया तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, लॉग 32/7 का स्क्वायर अपॉन 23.2 का स्क्वायर। अभी हमें मालूम है ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, लॉग 32.7 का स्क्वायर माइनस लॉग, ठीक है ना, ये किसी को नहीं क्लियर है, ऐसा कोई नहीं है ना, बरोबर ना। अब क्या करेंगे, ये टू क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। हाँ, तो अभी हमें सिर्फ इस लॉग की वैल्यू देखनी है और ये टू यहां पे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, लॉग। ठीक है, अभी आप केयर को भी, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टरिस्टिक डिजिट है, दो डिजिट है, दो डिजिट है, तो इसलिए 0.1। अब 32 का 7 में लिखेंगे और 5145, चेक करो यही डिजिट आ रहा है क्या, पहले कंफर्म करो 32 का 7 में ये डिजिट आ रहा है, बरोबर है। अच्छा, अब 2 का 2 सेम, यहाँ पे कितना है, हाँ, तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट आ जाएगा। अब 23 का 2 में देखो 3655 और मेन डिफरेंस 0 है तो 0 ही। ठीक है, अब ये करने के बाद अब तू इसमें मल्टीप्लाई कर दो सबने, तू मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10, 1 कैरी 8 और ये 9 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 के 0, 1 कैरी 2 1 2। हाँ हाँ बरोबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 10 11 और कितना हो जाएगा, 6 और 13, 1 कैरी 6 एंड 7। अच्छा, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यहाँ पे आपको कैरी लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0 0 0 8, यहाँ पे देखो कितना है, 12 है ना, 12 है, देखो 2 है, इसने इसके बाजू वाले से लिया, इसके पास कुछ नहीं था, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 में से तो 9 2 और ये 2 आउट ऑफ 2 गया तो 0। अच्छा, माइनस वाले में बार आता है, एक माइनस वाले का भी बताता हूँ जहां पे इसमें बार आ जाता है। ठीक है, टू वाला भी एक सम बताता हूँ। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन करते समय। अच्छा, अब लॉग आ गया, अब लॉग का क्या ले लीजिए आपको, एंटी लॉग, देखोगे 1.1986। अब देखो 0 है ना, 1 के बाद पॉइंट,
सब्ट्रैक्शन वाला भी क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, पॉज कर दो, पॉज कर दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर ऊपर मल्टीप्लीकेशन है और सॉरी ऊपर आपका एक है, ये डिवीजन है पहले, फिर उसके नीचे आपका दो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले आपकी जो वैल्यू दी है उसका एक्स असाइन कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, एग्जाम में इस टाइप का एक सम आएगा 101% एक सम आएगा। अच्छा अगर आप क्या करोगे, दोनों साइड लॉग ले लोगे, टू का स्क्वायर और ये आ जाएगा 5.6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी ये दो डिवीजन में है तो क्या देगा, माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लॉग 30 इंटू, कुछ लोग क्या करते हैं इसको अलग से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, चाहिए तो ये साथ भी निकाल सकते हो। ये डिवीजन था ना, ओके ओके थैंक यू, अरे ऐसी गलती मत करो, ठीक है, नजर हटी के दुर्घटना घटी, ठीक है। अच्छा मेरे लिए चल सकता है, मैं अगर गलती करूँ तो चल सकता है, आप गलती मत करो, ठीक है। अच्छा अब ये टू आगे आ जाएगा या तो अगले नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस लॉग ऐसा लिख सकते हम लोग। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, ये पावर को आगे ले लेते, पावर को आगे लिया तो क्या बन जाएगा, लॉग 45 बरोबर और माइनस, अब ये लॉग आगे ले लिए, अच्छा ये माइनस यहाँ पे डाल दे, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, ये दो टर्म मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, ठीक है, ये इसमें डाउट नहीं है ना, ये भाई दिख रहा है ना तुम लोग को ये साइड। अब क्या करेंगे देखो, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये थ्री आगे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, लॉग, बरोबर। अभी आप सबकी वैल्यू बता दो मुझे वन बाय वन, या ऊपर लिखो, यही पे लिखता हूँ। अच्छा इसकी वैल्यू बता दो, देखो यहाँ पे वन आएगा, ये बात समझ में आ रही है ना, टाइटेस्ट डिजिट कितना है, टू, माइनस वन किया तो क्या आया, वन। अब 45 को फोर में देख लो, 6571, ठीक है, और टू इसका कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे वन है, जीरो, 5051, और ये कितना आ रहा है, 7482। अच्छा अब वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 1 कैरी किया तो 11 11, 1 कैरी 6 13, 1 कैरी 3 2 0, 1 कैरी 1 10, 1 कैरी 3 किया तो 6 18 की 1 कैरी 12 13, 1 कैरी 7 3 7 21 21 और 22 22 को 2,
क्या हुआ, कहीं मिस्टेक किया क्या? ये वाला 3 2 6 का 6 आया, 8 3 18 का 8 वन कैरी, 12 + 1 13 वन कैरी, 7 3 21 22 बराबर है, ठीक है। कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये आपका कितना रहेगा, 2.246। अच्छा अभी देखो आपको क्या करना है, केयरफुली या तो इन दोनों को पहले ऐड करके ले लो, क्योंकि आप जानते हो माइनस माइनस का होता है, इन दोनों को पहले ऐड करके ले लो, या तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ले लो, फिर जो वैल्यू आए फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आता है 1.0102 और ये आ जाएगा 2.2446। ऐड किया तो 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये आ गया आपका 3। तो अभी हमारा ये वैल्यू आ गया है 3.3142 माइनस 3.2548। अच्छा अभी सब्ट्रैक्ट करके ले लेते, इसमें से कितना, हाँ 3.3142, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3.2548। अच्छा ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 13, 13 में से 4 गया 9 और ये कितना आ जाएगा 10500। तो हमारा आने वाला है 0.0594, ये log x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग ऑफ 0.0594। अभी हमें कितना, 0.5 में 9 और 4 में हमें 1147 और जो तो यहाँ पे 0 है तो प्लस 1 करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सम हुआ कंप्लीट, इसके साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हुआ। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करो, जिसमें डिफिकल्टी आएगी वो आप पूछो, ठीक है। ठीक है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं भाई, स्टॉप।